नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। मेरे साथ डॉक्टर विकास सिंह के साथ आप भारतीय संविधान तथा राजव्यवस्था को पिछली क्लास में हम सब ने मूल अधिकारों की शुरुआत की थी और हमने देखा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और जैसे ही संपत्ति का अधिकार हटा, अब हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई। और 6 मूल अधिकारों में हमने पहले मूल अधिकार की शुरुआत की, जो था समता या समानता का अधिकार से, और इसका संबंध अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने आर्टिकल पढ़ा 14, जो कि कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराता है। इसके पश्चात हम बात कर रहे थे आर्टिकल 15 पर, जो कि धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर लोगों के मध्य किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकृत करता है। और आर्टिकल 15 में हमने देखा कि आर्टिकल 15 एक कहता है कि राज्य केवल इनमें से किसी भी आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा, अन्य आधारों पर कर सकता है। 15-2 राज्य और व्यक्ति दोनों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग या उपयोग में इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन हम कुछ अपवादों पर बात कर रहे थे कि एक तरफ तो संविधान में इन आधारों पर भेदभाव करने से राज्य और व्यक्ति को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया कि राज्य महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए कोई भी विशेष कदम उठा सकता है। तथा दूसरा अपवाद हमने देखा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अनुच्छेद 15 खंड 4, जिसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कोई भी विशेष कदम उठा सकता है। इन दोनों अपवादों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। इसी में कुछ और अपवाद हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपवाद है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत वो हो जाएगा आर्टिकल 15 में 5। अब आर्टिकल 15 में 5 क्या है, तो इसे भी मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, तो इसका मतलब हुआ कि इसे बाद में जोड़ा गया। संविधान में कुछ भी जोड़ना या घटाना है, हमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से हमने अनुच्छेद 15 में 5 जोड़ा, जिसके अंतर्गत हमने राज्य को यह अधिकार प्रदान किया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्हें निजी शिक्षण संस्थाओं में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त कर रहे हों या नहीं प्राप्त कर रहे हों, इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रवेश में सीटें आरक्षित कर सकता है, इनके लिए बाकायदा आरक्षण का उपबंध कर सकता है। कौन करेगा, राज्य करेगा। किसके लिए करेगा, तो ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, उनके कल्याण के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। और इसी के अंतर्गत आपको ज्ञात होगा कि 2006 में बाकायदा कानून पारित किया गया और IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूटों में भी इन वर्गों के लिए बाकायदा आरक्षण को बंद कर दिया गया है। तो शॉर्ट में कहा जाए कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण कहाँ पर है, अनुच्छेद 15(5) में। कौन से संवैधानिक संशोधन से इसे जोड़ा गया, तो वो संशोधन भी हमें ज्ञात होना चाहिए। वो संशोधन हो जाएगा 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो इसे ले लेते हैं, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से
इसे जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से इसे जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण कौन सा संशोधन तो 2005 के माध्यम से जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत किसे राज्य को क्या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एससी तथा एसटी के कल्याण के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। किसे शक्ति प्रदान की गई? राज्य को। क्या कर सकता है? निजी शिक्षण संस्थाओं में बकायदा प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। कौन से वर्गों के लिए? ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है और ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। इन वर्गों के कल्याण के लिए राज्य बकायदा निजी शिक्षण संस्थाओं में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त कर रहे हों नहीं प्राप्त कर रहे हों इनके लिए बकायदा क्या कर सकता है? आरक्षण। यह उपबंध कहां पर किया गया? आर्टिकल 15(5) में। तो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 15(3) अपवाद है, 15(4) अपवाद है, 15(5) अपवाद है। लेकिन अब हम जिस अपवाद पर बात करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे रिसेंट या एकदम कहा जाए कि वर्तमान में जो एकदम लेटेस्ट जोड़ा गया अपवाद है आर्टिकल 15 में वो यही है। क्या है वो अपवाद? तो अगला महत्वपूर्ण अपवाद हमें ज्ञात होना चाहिए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6, और इसे हम इंपॉर्टेंट टिक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमने इसलिए टिक कर लिया जैसा मैंने आपसे कहा कि हाल ही में जुड़ा है। कब जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया। जोड़कर क्या किया गया? तो इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त अर्थात उन वर्गों को छोड़कर, किसे छोड़कर? जिनका जिक्र आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) में किया गया है। कौन से वर्ग का जिक्र है भाई 4 और 5 में? तो अभी हमने पीछे देखा, एक तो उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का जिक्र है, दूसरा उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जिक्र है। तो यहां पर कहा गया है कि 15(4) और 15(5) में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों के कल्याण के लिए राज्य विशेष कदम उठा सकता है।
अब तक राज्य केवल किसके लिए उठा सकता था? एक तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। लेकिन 15(6) के अंतर्गत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि अब वह बकायदा जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है उनके कल्याण के लिए भी विशेष कदम उठा सकता है। इसी के अंतर्गत राज्य के द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में बकायदा क्या दिया गया है, आरक्षण। तो बकायदा ये शक्ति राज्यों को कहां से मिली है, तो 15(6) में। अब चूंकि दोस्तों ये सबसे अंत में जुड़ा है अपवाद आर्टिकल 15 में, अब चाहे इसे हम करंट की दृष्टि से लें या संविधान की दृष्टि से लें, ये अपवाद हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे ले लेते हैं। 103 में संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। तो पहले तो हमें वो संशोधन ज्ञात होना चाहिए जिसके माध्यम से जोड़ा गया, तो वो संशोधन कौन सा हो जाएगा, 103वां। इसे जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 तथा क्लॉज 5, अनुच्छेद 15 खंड 4 तथा खंड 5 जो अभी हमने पीछे देखा है, 15(4) तथा 5 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान की गई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से आर्टिकल 15 में सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या? पहले राज्य को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कोई भी विशेष कदम उठाने की शक्ति नहीं थी। पहली बार राज्य को शक्ति किस संवैधानिक संशोधन से प्रदान की गई, तो वह संशोधन हो जाएगा 103वां। कहां पर प्रदान की गई? 15(6) में। कैसे प्रदान की गई? तो यहां पर कहा गया कि राज्य आर्टिकल 15(4) और 15(5) में उल्लेखित 15(4) और 15(5) में कौन से वर्ग हैं? एक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, एक अनुसूचित जाति और जनजाति है। इनको छोड़कर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके कल्याण के लिए राज्य कोई भी विशेष कदम उठा सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। यह अपवाद 103वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 के कौन से क्लॉज में जोड़ा गया, तो वो क्लॉज किस नाम से जाना जाता है? 6 के नाम से। तो क्या सार निकला? अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन साथ के साथ इसमें क्या किया गया? अपवाद की भी व्यवस्था की गई है। कैसे अपवाद की व्यवस्था की गई? तो राज्य को महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं
अनुसूचित जाति और जनजाति को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देने के लिए, और अंत में हम देख रहे हैं कि 15-6 में राज्य को आर्थिक दृष्टि से भी अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसके कल्याण की भी क्या प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। तो ये पूरे की पूरी बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दर्शाई गई है, तो वह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 15 मौलिक अधिकारों में। अगले मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार में अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16। पहली बात उठती है कि किससे संबंधित है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका संबंध लोक नियोजन में अवसर की समता से है। लोक नियोजन में अवसर की समता, पहले समझते हैं कि आर्टिकल 16 क्या है, इसके क्या अपवाद हैं, और ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 16 में भी कुल 6 सब क्लॉज या 6 खंड शामिल हैं। पहले हम सारे महत्वपूर्ण खंडों पर बात करते हैं और उसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे हम लिखेंगे भी। आर्टिकल 16 के खंड 1 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक नियोजन या लोक नियोजन अर्थात सार्वजनिक पद या नौकरियां प्रदान करते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, केवल और केवल योग्यता के आधार पर सभी को क्या प्राप्त होंगी, सार्वजनिक सेवाएं या नौकरियां प्राप्त होंगी। यहीं पर आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन में अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रदान करते समय धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार तो पहले भी थे, उसमें 2 आधार और जोड़ दिया गया, उद्भव तथा निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये कहा गया कि सभी को केवल और केवल योग्यता के आधार पर क्या प्रदान की जाएगी, नौकरियां प्रदान की जाएगी। तो फिर यही बात उठती है कि क्या भारत में सभी को केवल योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती है, तो हमें नौकरियों में आरक्षण का उपबंध दिखाई देता है। दूसरा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि निवास वगैरह के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप कई राज्यों में देखते हो कि निवास की शर्त लगा दी जाती है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में यह प्रावधान किया गया है शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा कि मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उस पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के निवासियों का होगा। तो बात उठती है कि क्या इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, तो जाहिर सी बात है कि इसके भी क्या होंगे, अपवाद होंगे। तो कौन सा अपवाद है, तो पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, यहीं पर हम ले सकते हैं वंश, 5 आधार तो पहले ही थे। यह प्रावधान किया गया कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, उद्भव व निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा,
इनमें से किसी भी आधार पर, किन आधारों पर, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, उद्भव के आधार पर, निवास के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा तथा सभी को केवल सभी को केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। जो नियुक्तियां प्रदान की जाएगी वो केवल और केवल किस आधार पर प्रदान की जाएगी, तो योग्यता के आधार पर प्रदान की जाएगी, ऐसा उपबंध किया गया आर्टिकल 16 में। तो फिर बात आती है कि जब एक तरफ कहा गया कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो फिर ये आरक्षण का प्रावधान कैसे दिखाई देता है हमें सार्वजनिक सेवाओं में? तो जाहिर सी बात है कि अगर आरक्षण का प्रावधान दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि यह बकायदा किस में आएगा? अपवाद में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। तो आर्टिकल 16 में ऊपर तो कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी आर्टिकल 16 में अपवाद रखे गए हैं। अगर हम अपवाद की बात कर लें तो अपवाद में जो अपवाद आपको ज्ञात होना चाहिए वो है आर्टिकल 16(4). इसे आप बकायदा इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, क्योंकि यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। क्या है 16(4)? तो ऊपर कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को केवल और केवल योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की जाएंगी। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत राज्य को शक्ति दी गई है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा वर्ग जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो तथा जिसका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, तो राज्य उनके लिए आरक्षण का उपबंध कर सकता है। ध्यान दीजिए, कौन कर सकता आरक्षण? राज्य। किसके लिए? तो आरक्षण की दो शर्तें निकलकर सामने आ रही है। क्या? एक वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या हो? पिछड़ा हो। दूसरा क्या है? कि उसका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं हो, तो राज्य ऐसे वर्गों के लिए बकायदा आरक्षण का उपबंध कर सकता है। अब इसी को थोड़ा और विस्तार दें, क्योंकि आरक्षण से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कहीं पर पिछड़ा वर्ग शब्द परिभाषित नहीं था कि कौन पिछड़ा वर्ग होगा, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति बकायदा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन कर सकता है। आपसे पूछा जाए कौन आयोग गठित कर सकता है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 340। इसी दिशा में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम 1953 में एक आयोग जिसका नाम था काका कालेकर आयोग, काका कालेकर के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कई बार आपसे काका कालेकर से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है। कुछ विकल्प दे दिए जाते हैं, पंचायती राज में सुधार से, आधारभूत संरचनाओं में सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, या पिछड़े वर्गों की पहचान से। तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़े वर्गों की पहचान से। तो 1953 में सर्वप्रथम काका कालेकर के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। काका कालेकर ने बकायदा कुल 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की, और इन्होंने तो यहां तक कहा कि चाहे भी किसी भी जाति की महिला हो उसे पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात 1979 में जब जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो उसके द्वारा वी पी मंडल
विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। पहला किसके में हुआ था, तो काका कालीकर के नेतृत्व में, दूसरा तो वीपी मंडल के नेतृत्व में। वीपी मंडल ने कुल 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में शामिल किया और इन्होंने सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। कई बार कहा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश है, चार आयोग को, तो वहां पर आंसर देते हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में 27% क्या दिया जाए आरक्षण। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 1990 में बाकायदा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। सिफारिश किसने की थी, मंडल ने। प्रदान किसने किया, वीपी सिंह सरकार ने। वीपी सिंह सरकार के द्वारा बाकायदा आरक्षण प्रदान कर दिया गया। जब आरक्षण की बंदरबाट चली रही थी, तो इसी समय केंद्र में जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो उन्होंने आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को जो सवर्णों में थे उन्हें 10% आरक्षण दे दिया। अब जब हर कोई आरक्षण दे रहा है तो मामला कहां पर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ वाद में, जिसे लोकप्रिय रूप में मंडलवाद की संज्ञा दी जाती है। और रिजर्वेशन को लेकर आपको हमेशा बस केवल एक बात का नाम याद रखना है, वो है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्या निर्णय दिया गया इंदिरा साहनी में, तो पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। 16-4 राज्य, ये हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में सार्वजनिक सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, तो उन्हें आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, फिर ध्यान दीजिए, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण कहां पर है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या खंड 4 में। कौन दे सकता है, राज्य दे सकता है। किसे दे सकता है, दो कंडीशन में। क्या, पहला व वर्ग पिछड़ा हो। कैसा पिछड़ा हो, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, पहली शर्त। दूसरा, उस वर्ग का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो राज्य उसे बकायदा क्या प्रदान कर सकता है, आरक्षण। अब थोड़ी सी आरक्षण की कहानी का विस्तार कर लेते हैं। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द परिभाषित नहीं है, कहीं भी संविधान में एग्जैक्टली बैकवर्ड क्लास को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु
अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसे, तो राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 340, परंतु अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन करे। तो कौन आयोग बना सकता है? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कौन आयोग गठित कर सकता है, क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति। आपसे कहा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग गठित करने की शक्ति दी गई, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 340। कब गठित हुआ? तो सर्वप्रथम 1953 में काका कालेकर के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पहला आयोग जो पिछड़ा वर्ग गठित हुआ, काका कालेकर के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसने तेईस सौ 99 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में, 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की। अब इसे समझिए, पहला आयोग कब गठित हुआ? 1953 में। किसके नेतृत्व में? काका कालेकर के नेतृत्व में। इन्होंने कुल कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने की बात की? 2399। अगली महत्वपूर्ण बात, में जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1979 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा वीपी मंडल, विंदेशी प्रसाद मंडल, वीपी मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वीपी मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसने कुल 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की। 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की एवं सार्वजनिक सेवाओं में
पिछड़े वर्गों को सत्ताईस प्रतिशत सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की। अब कई बार सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया, तो वो ईयर हमें पता होना चाहिए कि मंडल आयोग कब गठित किया गया, तो 1979 में। मंडल का पूरा नाम वीपी मंडल, जिसे हम विंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी कहते हैं। ये कौन सा आयोग था? द्वितीय। तो पहला किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो उनका नाम था काका कालेकर। दूसरा किसके नेतृत्व में? तो मंडल। इन्होंने कुल कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात की? 3743 को। अगला, इन्होंने क्या कहा कि पिछड़े वर्गों को कितना रिजर्वेशन प्रदान किया जाए? 27%। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की? चार आयोग हों तो वहां पर हमें आंसर क्या लेना है? मंडल आयोग। अगली महत्वपूर्ण बात कहानी में, में वीपी सिंह सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। सिफारिश किसने की? मंडल ने। प्रधानमंत्री जिसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया सर्वप्रथम 27%, वो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वीपी सिंह। यहीं पर 1991 में नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। किसे? जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे। इसके पहले तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिया जाता था। यहां पर पहली बार नरसिम्हा राव ने आर्थिक रूप से जो सवर्णों में पिछड़े थे उन्हें कितना आरक्षण दे दिया? 10%। अब इधर रिजर्वेशन दिया गया, इसे चैलेंज किया गया। कहां पर? कोर्ट में। कौन से केस में? इंदिरा साहनी। तो अगली बात कह सकते हैं, में उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ वाद में आरक्षण को चुनौती प्रदान की गई। अब रिजर्वेशन को लेकर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केवल एक वाद ज्ञात होना चाहिए, कौन सा? इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ वाद, जो कि 1992 का है। इसमें जो वीपी सिंह सरकार ने आरक्षण दिया, जो नरसिम्हा राव सरकार ने आरक्षण दिया, उसे बकायदा सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? चैलेंज किया गया। अब इस केस में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? तो सबसे पहले तो न्यायालय ने जो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था उसे अवैध घोषित कर दिया। क्यों अवैध घोषित कर दिया?
तो न्यायालय ने यह तर्क दिया कि भारतीय संविधान केवल और केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन को मान्यता देता है, आर्थिक पिछड़ेपन को संविधान मान्यता नहीं देता है। कौन से केस में आपसे कहा जाए कि आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया गया, चार बात हो तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा सानी। दूसरा, जो वीपी सिंह सरकार के द्वारा 27% आरक्षण प्रदान किया गया था उसे न्यायालय ने उचित माना, वैध माना। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, निम्न में से किस बात में पिछड़े वर्गों को दिए गए 27% आरक्षण को न्यायालय के द्वारा मान्यता दी गई? तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा सानी। यहीं पर न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण तो ठीक है, लेकिन पिछड़े वर्गों में जो संपन्न वर्ग है, और संपन्न वर्ग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्रीमी लेयर वर्ग, सरल हिंदी में कहा जाए तो मलाईदार परत। क्रीमी लेयर तात्पर्य है कि जो पिछड़ों में जो संपन्न है, आज के संदर्भ में बात करें तो जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है वो बकायदा किस में आएगा? क्रीमी लेयर वर्ग में। तो जो संपन्न वर्ग है, क्रीमी लेयर वर्ग है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, संवैधानिक पद धारण करने वाले हो गए, सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी हो गए, ग्रुप ए ग्रुप बी के अधिकारी हो गए, या जिनकी भी इनकम 8 लाख प्लस है आज के संदर्भ में, वो बकायदा किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में। पहली बार क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी कौन से केस में आया? इंदिरा सानी। तो न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण तो प्रदान किया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्गों में जो संपन्न वर्ग है, जो मलाईदार परत है, जो क्रीमी लेयर वर्ग है, उसे आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। कौन से केस में? इंदिरा सानी। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि आरक्षण की जो अधिकतम मात्रा है वो कितनी होगी? तो केवल और केवल कितनी होगी? 50% होगी। तो अक्सर पूछा जाता है कि आरक्षण कितना, तो हम आंसर देते हैं 50%। तो कहा जाए किस केस में आरक्षण की 50% की सीमा का निर्धारण किया गया? चार बाद हो तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा सानी। तो यहीं पर न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम मात्रा कितनी होगी? तो 50%। और भी बहुत सारे निर्णय दिए गए, लेकिन ये कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ निर्णय लिख लेते हैं। चुनौती दी गई एवं न्यायालय के द्वारा निम्न निर्णय प्रदान किए गए। क्या निर्णय प्रदान किए भाई? सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक आधार पर प्रदान किए गए आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। क्यों अवैध घोषित कर दिया? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उच्चतम न्यायालय का मानना है कि भारतीय संविधान केवल और केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ही क्या देता है? आरक्षण। आर्थिक पिछड़ेपन को संविधान में मानता नहीं है, इसलिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? अवैध। दूसरा क्या किया? उच्चतम न्यायालय के द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से प्रदान किए गए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण को
वैध माना गया। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से प्रदान किए गए 27% आरक्षण को वैध माना गया, परंतु न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्गों में संपन्न वर्ग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा, क्रीमिलियर। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से प्रदान किए गए 27% आरक्षण को वैध माना गया, परंतु न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्गों में संपन्न वर्ग, जिसे क्या नाम दिया गया, क्रीमिलियर वर्ग, संपन्न वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, 27% आरक्षण को तो क्या माना, वैध, लेकिन कौन आरक्षण के दायरे में पिछड़े वर्ग में नहीं आएगा, तो वो वर्ग कौन सा हो जाएगा, क्रीमिलियर। पहली बार आपसे पूछा जाए कि क्रीमिलियर की संकल्पना कौन से केस में आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा सानी वर्सेस भारत संघवाद में। क्रीमिलियर संविधान में नहीं बल्कि स्वयं न्यायपालिका के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण तो ठीक है, कौन सा पिछड़ा, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है उसे जो 27% आरक्षण दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो संपन्न वर्ग है, जो क्रीमिलियर वर्ग है, जो मलाईदार परत है, उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, यह निर्णय कौन से केस में दिया गया, इंदिरा सानी। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार आरक्षण की अधिकतम मात्रा 50% से अधिक नहीं होगी। तो ये जो मैक्सिमम 50% वाला क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से केस से, तो वो केस कौन सा हो जाएगा, तो वहां पर भी हमें आंसर क्या देना, इंदिरा सानी। तो सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, रिजर्वेशन के संदर्भ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इंदिरा सानी, जहां पर आरक्षण की अधिकतम मात्रा कितनी निर्धारित कर दी गई, 50%। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तमिलनाडु में कैसे 69% आरक्षण है, तो हम नवी अनुसूची से जोड़ लीजिए, कल को राज्य बकायदा अगर 50% के आरक्षण की सीमा को क्रॉस करता है तो फिर उसे बकायदा कानून बनाकर किस में डालना होगा, नवी अनुसूची में। लेकिन नवी अनुसूची में डाल तो सकता है राज्य, उसकी समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। और अगर न्यायालय को लगे कि नहीं, ये जो 50% आरक्षण क्रॉस करके प्रदान किया गया ये ठीक है, कहीं भी वोट बैंक के नाते या राजनीतिक हथियार के नाते इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तब तो ठीक। न्यायालय को लगे कि नहीं, ये तो केवल और केवल राजनीतिक दलों के द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिया गया है, तो न्यायालय बकायदा उसे क्या कर सकता है, अवैध। क्योंकि हमें पता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी भी विषय को नौवीं अनुसूची में रखा गया है तो अब न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि 50% का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसे क्रॉस किया जा सकता है, कई राज्यों में आप देखते हो कि क्रॉस है, तो क्रॉस होने के लिए क्या करना होगा, उसे कानून बनाकर नौवीं अनुसूची में डालना होगा, उसकी समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय। न्यायालय के मत में लगे कि ठीक है तब तो आरक्षण वैध होगा, नहीं तो अधिकतम आरक्षण की मात्रा कितनी हो सकती है, तो 50%। अब ये तो बात हुई ट्रेडिशनल, आर्टिकल 16 में भी हमें रिसेंट देखना होगा, वर्तमान देखना होगा। तो वर्तमान की बात करें तो यहां पर भी जो सबसे महत्वपूर्ण अपवाद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6। ये सबसे महत्वपूर्ण, 16(5) इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें राज्य को धर्म के आधार पर किसी भी सांप्रदायिक जो संस्थान लग रहा है, धार्मिक संप्रदाय है,
वहाँ पर धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित करने की शक्ति दी गई है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 16-6। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसे सबसे रिसेंट में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया होगा? तो संविधान में कुछ भी चीज़ जोड़नी या घटानी है तो उसके लिए क्या करना होता है? संशोधन करना होता है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा आर्टिकल 16 में क्या जोड़ा गया? 6 जोड़ा गया। अब ये सबसे रिसेंट है तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्या किया गया? तो इसके अंतर्गत राज्य को अधिकार प्रदान किया गया कि राज्य अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त, अब 16 क्लॉज 4 में कौन सा वर्ग है? तो अभी हमने देखा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है। यहां पर कहा गया कि राज्य अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों को बकायदा नियुक्ति और पदों में 10% का आरक्षण प्रदान कर सकता है और यह पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की वृद्धि से लागू किया जा सकेगा। अब पूर्व निर्धारित सीमा कितनी थी भाई? तो अभी हमने बात की 50%। यहां पर कहा जा रहा है कि पूर्व निर्धारित सीमा से 10% की वृद्धि से लागू किया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बकायदा सार्वजनिक पदों में जो आरक्षण दिया गया है वो किसके अंतर्गत दिया गया है? 16-6 के अंतर्गत। और इसके पहले जो आप अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों का सार्वजनिक सेवा में आरक्षण देखते हो वो आरक्षण कहां पर दिया गया? तो अनुच्छेद 16-4 के अंतर्गत। तो सबसे रिसेंट जो EWS की बात चल रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात चल रही है, वो आरक्षण कहा जाए तो किस कहां पर? तो 16 क्लॉज 6 में किस संविधान संशोधन से? तो हमें वो अमेंडमेंट भी ज्ञात होना चाहिए और वो संशोधन हो जाएगा 103वां संशोधन 2019। तीसरे कह लेते हैं 103वें संशोधन अधिनियम 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसे जोड़ा गया 2019 के माध्यम से इसे जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसे जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों को 10% प्रदान करने की, इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 16-4 में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों को सार्वजनिक सेवाओं में समुदायों को 10% प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई तथा इसे इसे पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की
वृद्धि के साथ पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की वृद्धि के साथ लागू किया जा सकेगा। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजोल्यूशन है वो किसके अंतर्गत है, तो 16(6) हम कह सकते हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसी के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए, क्योंकि चाहे करंट लें चाहे पॉलिटी लें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। क्या? तो इसके पूर्व हम देख रहे थे कि जो आरक्षण की कहानी थी, एक बार नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को भारतीय संविधान मान्यता नहीं देता है। तो पहले मोदी सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 15 में 6 जोड़ा, अभी हमने पीछे देखा इसी संशोधन अर्थात 103वें संशोधन से, और वहां पर राज्य को इस बात के लिए अधिकृत किया कि राज्य आर्थिक रूप से दुर्बल समुदाय के कल्याण के लिए कोई भी विशेष कदम उठा सकता है। और यहां पर चूंकि 16(4) में केवल आरक्षण किसके लिए है, जो पिछड़ा वर्ग है। कैसा पिछड़ा? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता नहीं थी, लेकिन 103वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया और राज्य को शक्ति दी गई कि जो 16(4) में उल्लिखित वर्ग है उन्हें छोड़कर जो आर्थिक रूप से दुर्बल समुदाय हैं उन वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं में बकायदा क्या दे सकेगा, आरक्षण। और ये जो आरक्षण है वो पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की वृद्धि के साथ क्या किया जा सकेगा, लागू किया जा सकेगा। तो अब जो EWS को आरक्षण दिया गया है वो 16(6) में, अन्य जो आप आरक्षण देखते हो पिछड़े वर्गों का वो 16(4) में है सार्वजनिक सेवाओं में। तो क्या बात निकली, आर्टिकल 16 कह रहा है कि लोक नियोजन में अर्थात सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को केवल और केवल योग्यता के आधार पर क्या दी जाएंगी, नौकरियां दी जाएंगी। राज्य सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार तो पहले ही थे, 2 और आधार जोड़ दिए, उद्भव, निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भेदभाव कर सकता है कौन, राज्य। किसमें? 16 के खंड 4 में। किसके लिए? ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हो और जिसका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं हो, राज्य उनके लिए बकायदा किसका प्रावधान कर सकता है, आरक्षण का। राज्य ने बकायदा किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा सहनी मामले में, जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन था उसे तो मान्यता दी गई, लेकिन आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को ठुकरा दिया गया। साथ के साथ वहीं पर उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की जो अधिकतम मात्रा है 50%, उसका भी क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। अब रिसेंट का डेवलपमेंट यह है कि 103वें संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि 16(4) में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त अब जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, आर्थिक रूप से दुर्बल। इसके पहले आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को मान्यता नहीं थी, अब उन्हें बकायदा सार्वजनिक सेवाओं में क्या प्रदान कर सकता है, आरक्षण। और ये पूर्व निर्धारित आरक्षण की 10% की वृद्धि से लागू होगा, पूर्व अर्थात 50%, अब इन्हें जोड़ दिया गया, तो 50% में 10% की वृद्धि से क्या किया जा सकेगा, लागू, ताकि इस आधार पर न्यायालय में चैलेंज नहीं हो कि भाई ये 50% को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। स्वयं ये प्रावधान कर दिया जा रहा है कि इसे पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की वृद्धि के साथ क्या किया जा सकेगा, लागू। और इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बकायदा EWS को सार्वजनिक सेवाओं में 10% का क्या प्रदान कर दिया गया, आरक्षण। तो समता के अधिकार में पहला आर्टिकल हमने पढ़ा आर्टिकल 14, दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ा 15,
और तीसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमने देखा वो है आर्टिकल 16। इसी क्रम में हम सब अगली क्लास में आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 इन सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर परिचर्चा करेंगे। ये आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसका थोड़ा सा विस्तार पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी आर्टिकल में थोड़ा सा अगर डीप गया तो उसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको उसकी डेप्थ नॉलेज हो। तो चलिए इसी के साथ हम आर्टिकल 16 को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में मूल अधिकारों के आर्टिकल 17-18 एवं अन्य मौलिक अधिकारों के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।